बात करने के लिए हैं टीवी एक्टर विंध्या तिवारी जी। मैम लखनऊ आए हो तो लखनऊ में तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, और क्या कहेंगे लखनऊ आए? मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बहुत मुस्कुरा रही हूँ, खुश हूँ कि लखनऊ मेरा आना जाना लगा रहता है काफ़ी। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैं अपनी एक और फिल्म है मल्ला, उसकी शूटिंग लखनऊ में कर रही थी। तो खुशी होती है कि जब एक्चुअली मैं यूपी से हूँ, मैं बनारस से हूँ, तो जब अपने घर में आपकी सराहना हो तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। तो खुशी इस बात की है कि यूपी AA अवार्ड से मुझे इस अवार्ड से नवाजा है, और ये खूबसूरत सा अवार्ड अब मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। और एक कलाकार को और क्या चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, बस उस एक्नॉलेजमेंट मिल जाए और क्या चाहिए। सो येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू UPAA अवार्ड्स एंड नितिन मिश्रा सर फॉर एक्नॉलेजिंग माई टैलेंट एंड मेकिंग मी फील स्पेशल। और इस बात पर वो चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अग्रसर रहूँ। मैम यूपी में फिल्म सिटी बनने जा रहा है जी, और इस पर क्या कहेंगे? जी ये मैं बस ये चाहती हूँ कि बहुत जल्द बन जाए, क्योंकि बहुत टैलेंट ऐसे हैं जो कि वहाँ बॉम्बे तक नहीं पहुँच पाते हैं, और उनके टैलेंट को अगर यहाँ पर ही मौका मिलना शुरू हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी बढ़ जाएगी और प्रतिभाएं जो हैं वो और निखर कर यहाँ पर आएंगी, तो डेफिनेटली। और मैं तो बनारस से हूँ, यूपी से ही हूँ, तो मैं तो हमेशा चाहूँगी कि यूपी के कलाकारों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और यूपी और भी ज़्यादा डेवलप हो। मैम आजकल देखा गया है कि सोशल मीडिया का जो दौर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो लोग अपनी प्रतिभा को जो है दिखा नहीं पाते थे, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब बन गया है कि अपनी प्रतिभा को आसानी से दिखा सकते हैं। आप इस पर क्या कहें? गलत, मेरी लाइट कट रही है सर, मेरी लाइट कट रही है। मैं बहुत ही पसेसिव एक्टर हूँ अपनी लाइट के लिए, थैंक यू सो मच। एंड सेकेंडली, देखिए ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये सही है कि सोशल मीडिया ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ये सवाल जब मैं श्री अमिताभ बच्चन साहब को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही समय के साथ जो इंसान अपने आप को बदलता है, वो है श्री अमिताभ बच्चन। आज आप उनके ट्विटर्स के ट्वीट्स पढ़िए, वो हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं और आज भी वो उतने ही टेक्नो सैवी हैं और उसी तरीके से लोगों से मुखातिब होते हैं, यूथ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अपने आप को बदल रहे हैं। जब समय बदलता है तो आपको भी अपने उनके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ता है। तो अगर सोशल मीडिया में बहुत सारे एक्टर्स ऐसा कहते हैं कि हमें ये एक अलग ही रेस है, एक अलग ही कॉम्पिटिशन है, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स की चीज़ें अलग हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं और वो भी बहुत काम करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को अगर कोई नई चीज़ है तो उससे सीखना चाहिए और अपने आप को हमेशा एनहांसमेंट करती रहनी चाहिए, सो दैट आप समय के साथ चलते रहें तो आपकी प्रतिभा भी निखरती रहेगी और आपका अपना टैलेंट भी निखरता रहेगा और आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे ज़िंदगी। बॉलीवुड में जिस तरीके की इस समय कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर को लेकर, फेसबुक को लेकर, अपने अपने लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं और बॉलीवुड को किस तरीके से जो है लोग बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जो टैलेंट होता है, जब हम एक्टर परफॉर्म करते हैं तो हम कोई पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम बस इमोशंस जीते हैं, और वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक दायरा है उसमें आप एक किरदार निभाते हैं और आप कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे होते। तो बेसिकली हम एक्टर्स एक्चुअली बहुत इनोसेंट होते हैं अगर आप देखें, और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से काम करते हैं, 24 घंटे शूट करते हैं, तो हमें तो बस यही चाहिए कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर कोई अच्छी फिल्म है तो प्लीज़ उसे देखिए, उसके साथ पॉलिटिक्स मत कीजिए, क्योंकि हम सब ये इन सारी चीज़ों के ऊपर उठकर अगर देखें तो जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी इसी वजह से आज मैं भी यहाँ पर आई हूँ, ताकि आप सब यू नो कहीं ना कहीं मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं मेरे टैलेंट को। और आफ्टर कोरोना मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी हो गई है, कभी भी कोई भी जा सकता है, तो क्यों नेगेटिविटी फैलानी? जो भी पल आपको मिले, कोई भी इंसान आपसे मिले, कोई भी मिले, क्यों नहीं? जब आपका जन्म हुआ है, आप इस पृथ्वी पर आए हो, तो प्लीज़ कुछ अच्छा करके जाओ, पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, सृष्टि के लिए कुछ अच्छा करके जाओ, सबके लिए अच्छा करके जाओ। सो आई ऑलवेज बिलीव इन पॉजिटिविटी, दैट शुड बी द मैटर। थैंक यू टीवी इंडिया लाइव से बात करने।